अभी तक हम वेट कर रहे हैं किसी गाड़ी का, लेकिन आई नहीं है कोई गाड़ी। अगर ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई तो जहाँ पे हम होंगे वहीं पे कैंपिंग कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास सामान पड़ा हुआ है तो हम इजीली कैंपिंग कर सकते हैं। नहीं, गाड़ी में उधर कोई गाड़ी में जाओ ना, उधर किसी गाड़ी में जाओ, उधर गाड़ी वाले हैं ना यार, उधर शायद जगह नहीं अंदर। अब गाड़ी में ओके, फिर आपसे मिलेंगे। गाड़ी हमें नहीं मिल रही थी इसीलिए हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं। किसी न किसी पॉइंट पे जाके हमें गाड़ी ज़रूर मिलेगी और फिर हम लोग गुपिस वैली पहुँचेंगे, फिर हम रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सुबह से, हम लोग हमारा ट्रैवलिंग मोड जो है वो ऑन है और हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं। रात को हमें रेस्ट करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अभी तक हम वेट कर रहे हैं किसी गाड़ी का, लेकिन आई नहीं है कोई गाड़ी। अगर ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई तो जहाँ पर हम होंगे वहीं पर कैंपिंग कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास सामान पड़ा हुआ है तो हम इजीली कैंपिंग कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट डे है तो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हो रही है चलने में, लेकिन खैर है, होता है भाई। चलते चलते एक गांव में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से जो व्यू है उसके तो क्या ही कह रहे, देख सकते हैं आप। वाव, ये है रिवर, ये है ब्रिज और ये है वो छोटा सा गाँव। काश मैं यहाँ पर जा सकता, अभी हमें जाना है गुपिस वैली तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते। गेजर वैली, ये जो रिवर व्यूज़ हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जहाँ पे आप जाएंगे आपको रिवर का व्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे अभी एक नया पुल बनने वाला है जो कि एक अच्छी बात है, इससे यहाँ की टूरिज्म भी बूस्ट होगी इस विलेज की। और इसके अलावा अपडेट्स ये हैं कि अभी तक हमें कोई गाड़ी नहीं मिली है। वैसे मैं तो चाह रहा हूँ कि हमें गाड़ी ना मिले, क्योंकि ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पर शाम हो वहाँ पर हम कैंपिंग करें, ऐसे थोड़ा बहुत एडवेंचरस, और मुझे तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि कोई गाड़ी हमें मिलती है या नहीं मिलती। भाई यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे टैक्सी हमें कहाँ मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या टैक्सी वगैरह कोई नहीं मिलेगी अंदर गुटी से? कहाँ से मिलेगी? ये नीचे जो गाड़ी खड़ी है वो नहीं जा रही इधर से? नहीं, ये नीचे जो खड़ी है। नहीं नहीं, टैक्सी नहीं। अच्छा, यहाँ पे यहाँ से गुपिस तक कितना टाइम लगेगा? पैदल? नहीं नहीं, गाड़ी में। गाड़ी में उधर कोई गाड़ी में जाओ ना, उधर किसी गाड़ी में जाओ, उधर गाड़ी वाले हैं ना यार, उधर शायद जगह नहीं अंदर। हमने कोशिश की थी, नहीं हो गया। नहीं तो इधर बैठो तो कोई गाड़ी आ गया तो बिठा के भेजूंगा। चलो ठीक है। तो भाई बोल रहे हैं कि अभी हमारे लिए देखेंगे कोई अगर गाड़ी आती है, कोई जगह खाली है गाड़ी में तो हम लोग जाएंगे गुपिस वैली की तरफ। एक ट्रिप है हमारी चित्राल तक, इसी रूट से हम लोग जाएंगे और चित्राल तक जाएंगे, फिर वहाँ से देखेंगे आगे कहाँ जाना। असल में बाइक पे हम लोग आ नहीं सकते थे क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है चित्राल तक ना, इसीलिए हमने सोचा कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए हम लोग जाएँ। यार कोई कार का हम लोग वेट कर रहे थे, कोई आए तो फिर उसको लेके हम लोग जाएँ, लेकिन आई नहीं कोई गाड़ी। गाड़ी आई इंशाल्लाह। असल में अंदर से लोग ज़्यादा आते हैं शायद उस साइड पे, इसीलिए सारी गाड़ियाँ फुल होती हैं। इनका अड़ा होता है ना, अड़े से फुल करके आते हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ। सही सही। ये गांव कौन सा है? गम सिंह। यहाँ से आगे कितने गांव हैं गुपिस की तरफ? अच्छा, एक घंटा लगेगा मतलब पहुँचने तक? पैदल नहीं, वो उसमें टैक्सी में कोई। सही। हमें लगा था यहाँ पे गाड़ियाँ चलती होंगी, फुल फुल चलती हैं। हाँ हाँ, हमें लगा था इजली मिल जाएगी हमें कोई गाड़ी। कराची के लोग कैसे लगते हैं आपको? अच्छा, कराची है अच्छी जगह है ना? गरीबों की माँ है, बिल्कुल ऐसा ही। वैसे मैं भी कराची में काफ़ी साल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे भाई भी मिल गए हैं, ये भी कराची में रह चुके हैं, कराची गार्डन में ये रह चुके हैं, और तकरीबन कितने साल, एक साल वहाँ पे रह चुके हैं और अभी तक ये कराची को मिस कर रहे हैं। तो कराची जगह काफ़ी अच्छी है। और भाई ने एक ख़ास वर्ड यूज़ किया, गरीबों की माँ, तो यही बात है कि कराची जो है वो गरीबों की माँ है। गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने तक हो या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोने कोने तक, लोग कराची को गरीबों की माँ कहते हैं। ऐसा ही हर इंसान को पालता है कराची।
वहाँ पे आप कराची गए क्यों थे? अच्छा, जॉब करने के लिए। सही सही सही, पढ़ाई आपने यही से की है? सही से, फिर जॉब करने कराची गए थे। सही सही सही, हर जगह गए वहाँ। सही सही, काम के सिलसिले में सबसे बस अच्छा जगह कराची है, उसके बाद इस्लामाबाद। पाकिस्तान पूरा आप घूमे हो और आपको सबसे अच्छा कराची और इस्लामाबाद लगता है? कराची तो कराची है, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी इतनी नेचुरल ब्यूटी है, सब कुछ यहाँ पे, हमारा घर भी यहीं पे है, लेकिन थोड़ा बहुत हम जो वहाँ पे रहे हैं वो दिल से निकलता ही नहीं। कराची ऐसा ही सर्दियों में सही से। मेरा भी प्रोग्राम है ये ट्रिप वगैरह में अपर गिजर और चित्राल पूरा कवर करके फिर मैं जाऊँ वहाँ की तरफ, इस्लामाबाद, लाहौर, दिल्ली, कराची, इन सही। लाहौर ठीक है? अच्छा, लाहौर ठीक नहीं है, वो पता है, गलत बताते हैं लाहौरी। सही 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 सही, कराची जैसा तो कोई शहर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में 4 साल, इस्लामाबाद में 4 साल। अच्छा, इस्लामाबाद और कराची में, इस्लामाबाद और कराची में कौन सा आपको सही लगता है? कराची कराची तो यार भले बाकी जगह जितनी भी खूबसूरत हो, कराची गंदा भी है तो कराची अच्छा है, बस खूबसूरत है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, पूरा पाकिस्तान चलाता है कराची। ये सामान थोड़ा ज़्यादा है हमारा, कहाँ रखेंगे सामान? ओके, अंदर ही पीछे। चलो बैठो, पीछे 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 पीछे, मैं यहाँ पे बैठूँ? कहाँ बैठना आप जाओ। तो भाई फाइनली हम लोग काफ़ी हर्डल्स के बाद गुपिस वैली पहुंच चुके हैं। यहाँ मेरा कज़न रहता है, उसी के पास हम स्टे करेंगे और आज का दिन और कल का दिन यही गुपिस वैली हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आगे एक फोर्ट है और खलती लेक नाम का बहुत ही मशहूर लेक है, यहाँ पर वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल हम अपने कज़न को कॉल करेंगे, वो यहाँ से आगे हमें पिक कर लेगा। भाई मेरे जो कज़न है वो काफ़ी आगे रहते हैं, हम यहाँ पे पहले ही उतर गए, वो काफ़ी आगे रहते हैं, थोड़ा पैदल जाना होगा यहाँ से। पैदल हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, तकरीबन कोई 5 मिनट का रास्ता हो सकता है, मुझे नहीं पता। कल का दिन हमने यहाँ पे काफ़ी जगह एक्सप्लोर करनी है। सबसे पहले तो ये जो आपको फोर्ट नज़र आ रहा है गुपिस फोर्ट कहा जाता है इसे, काफ़ी पुराना ये फोर्ट है, ये हमने एक्सप्लोर करना है। और उसके बाद यहाँ पे आगे ही एक लेक है जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होते हैं, आइस हॉकी होती है वहाँ पे और भी सारी चीज़ें होती हैं। और खलती उस जगह का नाम है, गाँव का नाम, वहाँ पर हम लोग जाएँगे और वो जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। नहीं बढ़िया, नहीं नहीं वो ये नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, वो आगे कज़न भी है, इंतज़ार कर रहा है हमारा। यार कोई बात नहीं, आप एक कप चाय पी के यार मेहमान मुतार भाई। हाँ दाऊद मुतार मेरा दाऊद। अच्छा, यहाँ पे गुपिस वैली में एक फेसबुक फ्रेंड मुझे मिले हैं, दाऊद मुतार भाई। आप सिंगिंग भी करते हैं शायद? जी बस आप ही करते हैं। हाँ हाँ, आपके मैंने सुने हुए सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी अच्छा गाते हैं आप, यही से? हाँ यही, ये मेरा आपका। सही सही सही, हम तो जा रहे थे अपने कज़न की तरफ लेकिन दाऊद भाई ने हमें रोक लिया है यहाँ पे चाय पिलाने के लिए। चलें चले, अब आप चलें। ओके, बैठ जाओ बैठ जाओ।
आज पहला दिन हमारी ट्रिप का। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसा ही पहले हम लोग गए हुए थे वहाँ पे होकर टूरिस्ट गाइड। अच्छा वहाँ पे हमने वो पूरी वीडियो बनाई, फिर टाइम काफ़ी बचता था हमारे पास, तो हमने सोचा यहाँ पे गुबिस में स्टे कर लेंगे हम। यहाँ पे कल ये फोर्ट में हम लोग जाएंगे, फिर आगे खलती तक वहाँ हम जाएंगे, फिर उसके बाद फिर यासीन जाएंगे पहले। अच्छा सही। तो गुबिस वैली पहले मैं आया हूँ यहाँ पे, आगे एक जगह थी फेरी डोर जगह का नाम है, तो मुझे तब पता चला था कि वो काफ़ी अच्छी जगह है, हिस्टोरिक जगह है, तो मैं वहाँ पे गया था एक्सप्लोर करने के लिए। अगर वो आप देखना चाहते हैं वीडियो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आप स्क्रॉल करेंगे तो मैंने फेरी डोर ऊपर एक टाइटल डाला हुआ है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सही है, चले फिर मिल गया फिर कर सही है। चलो बड़ी किसी होटल में हम लोग चाय पी रहे थे, यहाँ पे हमारे कज़न भी आ गए हैं, यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे।